तो कल का टॉपिक हमारा क्या था? कल हम लोग बात कर रहे थे नवरत्न एंड नाइन जेम, है ना। उसके बाद हम लोग कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकबर्स नाइन जेम, नाइन जेम्स ऑफ अकबर, ठीक है। अकबर के समय जो नौ नवरत्न थे उनकी बात करेंगे, ठीक है। नाइन जेम यानी जो नौ नवरत्न थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखो पहले तो एक तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा नवरत्न में शामिल नहीं है। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कौन नवरत्न में शामिल नहीं है, ठीक है। और दूसरा उन जो नवरत्न के जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन पूछ सकता है, यानी वो किस फील्ड से है, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि नवरत्न में लोग कौन कौन शामिल है। नवरत्न से तीन टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से लोग किस किस समय पे हैं, कौन कौन से लोग किस किस टाइम पर हैं, कंटेम्प्रेरी वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। दूसरा, अकबर के प्रशासन में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सारे लोग नवरत्न नहीं है, उसमें नौ लोग है, नाइन पर्सन है केवल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, पहले व्यक्ति का नाम लिखिए कौन है, ठीक है। पहला है इसमें बीरबल, ठीक है, पहला नाम है बीरबल, बीरबल, ठीक, बीरबल है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से है। किससे है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से यानी प्रशासन से है, है ना, प्रशासन से है। बीरबल का जो नाम है इनका महेश दास है, महेश दास, ठीक है, महेश दास। तो इनका नाम महेश दास है। कभी पूछ सकता है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल, तो बीरबल का जो ओरिजिनल नाम है वो महेश दास है और ये प्रशासन से है ना। दूसरे व्यक्ति हैं अबुल फजल, अबुल, ठीक है, अबुल फजल। अबुल फजल कौन है? ये स्कॉलर है ना, ये स्कॉलर है, स्कॉलर यानी ये वैज्ञानिक है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, स्कॉलर है ये। उसके बाद है फैजी, तीसरे हैं फैजी। तो अबुल फजल और फैजी दोनों सगे भाई हैं, ठीक है, फैजी, अबुल फजल और फैजी, ये भी स्कॉलर हैं। और चौथा नाम आपके सामने है टोडरमल, टोडरमल, ठीक है। टोडरमल आप जानते हो, टोडरमल कौन है? ये अकबर के वित्त मंत्री, अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ही दहशाला बंदोबस्त शुरू किया। टोडरमल इज नोन एज द रेवेन्यू फादर ऑफ इंडिया, राजस्व नीति के पिता कहा जाता है इनको, ठीक है। तो इन्होंने भारत में दहशाला बंदोबस्त शुरू किया था। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, है ना, ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और नेक्स्ट पांचवा लिखिए इसमें कौन है? भगवान दास, भगवान दास, भगवान दास, ठीक है। ये भगवान दास ये राजा भारमल के बेटे हैं, यानी ये जोधा के सगे भाई हैं भगवान दास, ठीक है। ये मनसबदार हैं, मनसबदार, ये मनसबदार हैं, ठीक है, मनसबदार, और ये जोधा के भाई हैं भगवान सर, जो दास। अकबर की बीवी थी वो हरकाबाई थी सर, हरकाबाई वो नाम जोधा क्या? बीवी थी सर। अभी बताएंगे, हाँ क्लियर कर देंगे दोनों के नाम, देखिए। और उसके बाद है, हाँ, सिक्स नंबर पे कौन है उसको देखिए। सिक्स नंबर पे है मानसिंह, मानसिंह, ठीक है, ये भी राजपूत है। सात नंबर पे
तानसेन, तानसेन सात नंबर पे तानसेन है, आठ नंबर पे कौन है, अकबर अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल यस अब्दुल रहीम खान खाना, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबरनामा लिखा है, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। इनके बारे में आपको पता है कि जो तुझके बाबरी है, तुझके बाबरी तो था, उसको ट्रांसलेट किया था अब बाबरनामा नाम से फारसी में, ठीक है, बाबरनामा नाम से इसको किया था। उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा है ना, और मुल्ला दो प्याजा के ये हैं, तो ये नौ हैं, और ये भी ठीक है, ये मनसबदार हैं, बस इतना बस याद रखना है। अब आप देखिए ये लोग हैं अकबर के प्रशासन में, बीरबल ये देखो हिंदू है, ठीक है, टोडरमल ये हिंदू है, भगवान दास ये हिंदू है, मानसिंह हिंदू है, तानसेन हिंदू है, तो यानी नौ लोगों में चार लोग, हाँ ठीक है, कितने हैं, पांच लोग, हाँ नौ लोगों में पांच लोग तो हिंदू हैं, नवरत्न में से पांच लोग हिंदू हैं। कभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, जो मुगल कालीन राजा हैं वो हिंदू विरोधी हैं, राजपूत विरोधी हैं या भारत विरोधी हैं, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मुगल राजा हैं या मुगल बादशाह हैं या जो मिडिवल कालीन सल्तनत है वो भारत के विरोधी नहीं है। अगर आप भारत के विरोधी होते या मुगल अंग्रेज या राजपूतों के हिंदुओं के, तो नौ नौ लोगों में से पांच लोग हिंदू हैं, है ना, यानी 50% से ज्यादा लोग नवरत्न में हिंदू हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, तो आपको ये चीजें काम आ सकती हैं। तो एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन बना था कि तानसेन को तानसेन नाम अकबर ने दिया था, लास्ट का क्वेश्चन है, तो तानसेन को नाम तानसेन अकबर ने नहीं दिया था, उनके गुरु ने दिया था। महेश दास को बीरबल नाम अकबर ने दिया था, कि जो महेश दास है, महेश दास इनका, इनको इनका नामकरण किया था अकबर ने, महेश दास को बीरबल का नाम दिया, लेकिन तानसेन को बीरबल ने नहीं। तानसेन मध्य प्रदेश से हैं, संगीत से हैं, और उन्होंने कई सारे नए रागों की रचना की है, कई सारे नए राग बनाए हैं इन्होंने। तो समझ में आ गया होगा कि नाइन जन कौन कौन है। अब नवरत्न का मतलब है कि वो लोग हैं जो प्रशासन में अकबर के सलाहकार हैं, वो राजस्व से संबंधित भी हैं, वो संगीत से संबंधित भी हैं, वो प्रशासन से भी हैं, सभी सभी क्षेत्रों से हैं, ठीक है। तो ये थे नाइन जेम नवरत्न, क्लियर है कि क्या है, कभी इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है इसमें, और नवरत्न के अलावा कौन लोग हैं इनके समय में, नवरत्न के अलावा तुलसीदास हैं इस समय, तुलसीदास ये नवरत्न में नहीं है, ठीक है, तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है, और रामचरितमानस, रामचरितमानस लिखा है, और ये रामचरितमानस लिखा है ये अवधि में लिखा है, अवधि में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसमें लिखा है, अवधि में, तो रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। तो पूछेगा तुलसीदास किसके समय में है, तो तुलसीदास अकबर के समय में है, और ये इन्होंने उस समय लिखा है। आप समझिए कि उस समय इतना कुछ था इनके समय कि अकबर का शासन होते हुए भी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। पहली बात, रामचरितमानस जो है वो रामायण नहीं है। देखिए फर्क क्या है रामायण और रामचरितमानस में, रामचरितमानस में सिर्फ राम की बात, राम को लिया गया है ना,
रामचरितमानस में, रामायण में लव कुश का जिक्र नहीं है, है ना? रामायण में लव कुश का जिक्र नहीं है। रामायण खत्म कर दी जाती है जब अयोध्या वापस राम आते हैं, वहीं तक रामायण है। उसके आगे की कहानी जो है वो रामचरितमानस में है। तो ये चीज ध्यान रखना है, दोनों में फर्क क्या है, रामचरितमानस में और रामायण में। और कौन है इनके समय? तुलसीदास हैं, बीरबल जो तो है ही है। हाँ, एक ध्यान रखना है कि बीरबल की हत्या किन्ने की थी? दो लोग हैं जिनको मार दिया था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस वगैरह बहुत आते हैं कि बीरबल को किसने मारा था और अबुल फजल को किसने मारा था। ठीक है, तो बीरबल को किसने मारा और अबुल फजल को किसने मारा? अबुल फजल है ना। तो खैर बीरबल को मारने वाले का नाम लिख लेते हैं, कौन है? ये है ये यूसुफ जई ट्राइब। एक यूसुफ यूसुफ जई ट्राइब है, यूसुफ जई ट्राइब उन लोगों ने मारा था, यूसुफ जई ट्राइब के लोगों ने, है ना ये। और अबुल फजल को ये बहुत बार पूछा गया है, अबुल फजल को किसने मारा? अबुल फजल को मारा है वीर सिंह बुंदेला ने। ये बहुत बार पूछा गया है, वीर सिंह बुंदेला, है ना, वीर सिंह बुंदेला ने। तो जो बीरबल को, बीरबल की हत्या की थी वो किसने की है? यूसुफ जई ट्राइब के लोगों ने। और अबुल फजल को किसने मारा है? वीर सिंह बुंदेला ने। और ये बहुत क्वेश्चन यूपीपीसीएस में या स्टेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाले। ठीक है, ये दोनों, यूसुफ जई मारा बीरबल को और अबुल फजल को मारा इसने, वीर सिंह बुंदेला ने। तो ये है अकबर के समय नवरत्न और कुछ लोग जो बहुत फेमस हैं। तुलसीदास इसी के समय में। अबुल, देखो प्रशासन को हम एक साथ देखेंगे, अकबर के बाद हम देखते हैं अकबर का बेटा है जहांगीर, उनको देखते हैं। जहांगीर, ठीक है, जहांगीर, जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो है 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक है, 1627 तक, 1605 से लेकर 1627 तक, 1605 से लेकर 1627 तक। यानी अब जहांगीर और अकबर के बारे में एक चीज समझ लेना है, जोधाबाई को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है। देखो अकबर की कई सारी रानियां थी और जहांगीर की भी, जोधाबाई अकबर की भी पत्नी है और जहांगीर की भी। देखिए जो जोधा अकबर की है इसको समझिएगा, जो जोधाबाई अकबर की हैं वो हैं, अकबर की जोधाबाई हैं वो हैं आमेर की, आमेर, ठीक है, आमेर की भारमल की बेटी है, भारमल की। ठीक है, जो जोधाबाई अकबर की हैं वो आमेर की हैं, आमेर मतलब जो उदयपुर का एरिया है। और जो जोधाबाई, तो जोधाबाई की शादी हुई है जहांगीर से, ठीक है, जहांगीर से हुई है, वो है जैसलमेर की, जैसलमेर, उनका भी नाम जोधा है, जैसलमेर की है। और ये जगत गोसाई की बेटी है, ठीक है, जगत गोसाई, ठीक है, जगत गोसाई राजा है उनकी बेटी है। तो ऐसा नहीं है कि, और हरकाबाई का हीनी का नाम है जोधाबाई का, हरकाबाई, कंफ्यूजन ये रहता है कि जोधाबाई कौन सी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जोधाबाई दो हैं, जहांगीर की पत्नी है उनका भी एक नाम है जोधाबाई, और जहांगीर की जो पत्नी है वो जैसलमेर की जोधाबाई है, और अकबर की जो पत्नी है वो आमेर की है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना अपने अंदर कि अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये कंफ्यूजन हिस्टोरियन से हुआ, हिस्टोरियन से नहीं हुआ,
दोनों को जाके देखोगे। और ये एक बुक है हिस्ट्री की, राम शरण सिंह सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा की बुक है, एनसीईआरटी 12th क्लास की है, 12th या 11th की पुरानी वाली, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जोधाबाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अब जहांगीर की बात आती है, जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। ठीक है, और हाँ, उनकी जो शादी होती है वो होती है मेहरू निशा से। वैसे कोई जरूरत नहीं है इनकी, मेहरू निशा निशा, तो ये मेहरू निशा इनकी वाइफ है। और जिनको नूर जहां कहा जाता था, जिनको नूर जहां कहा जाता था, ठीक है, इनको नूर जहां कहा जाता था। तो ये था, इन्हीं के समय में कैप्टन हॉकिंस आता है, कैप्टन हॉकिंस, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, यस, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आते हैं। देखो कई बार ये क्वेश्चन बना है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा है। ठीक है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा है, तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ये मिलने के लिए चला था अकबर से, अकबर से मिलना है, लेकिन जब तक इंडिया में आया तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है और उन्हें राजा ने बादशाह के रूप में जहांगीर मिलते हैं। तो अंग्रेजों से सबसे पहली मुलाकात जो हुई है वो जहांगीर की हुई, और जहांगीर ने कई चीजों को अलाउ किया था अंग्रेजों के लिए। सबसे पहले जहांगीर की, जहांगीर से शुरू होती है अंग्रेजों की बात। पहला काम अलाउ किया उन्होंने कि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं, ये जहांगीर ने ऑर्डर किया था। उसके बाद जहांगीर ने ऑर्डर किया कि वो भारत में कृषि कर सकते हैं, पहले तंबाकू को अलाउ किया, फिर तंबाकू को मना कर दिया। भारत में टोबैको को शुरू कराने का काम जहांगीर के समय हुआ, और जहांगीर के समय ही टोबैको को बंद कराने का काम हुआ। ठीक है, यानी तंबाकू को बंद भी किया गया जहांगीर के समय और शुरू भी किया गया। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि तंबाकू का प्रचलन भारत में कब शुरू हुआ, तो जहांगीर के समय, और जहांगीर ने इसको रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये था आपका जहांगीर के बारे में बेसिक। इनका बचपन का नाम सलीम है, और शादी इनकी मेहरुन्निसा से होती है, और इन्हें ही नूर जहां कहा जाता है। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस जो कि पहला ब्रिटिश है, पहला अंग्रेज है जो भारत में आता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहला जो ऑर्डर है या पहला परमिशन अंग्रेजों को किसने दिया, तो जहांगीर ने दिया भारत में रुकने के लिए। उसके बाद आया है यहाँ पे सर टॉमस रो, सेकंड बार सेकंड आया है सर टॉमस रो, तो ये भी देख लेना, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो दूसरा। पहला विलियम हॉकिंस है ना, पहला विलियम हॉकिंस है, दूसरा है सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो है दूसरा। तो ये थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है तुझके जहांगीर, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है, इसका नाम है तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, जहांगीरी, और किसी में लिखी है पर्शियन। ठीक है, ये फारसी में लिखी है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ज्यादा कुछ इसके इससे रिलेटेड नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जहांगीर के बारे में दो दो या तीन बातें हैं कि जहांगीर ने एक एक
न्याय की जंजीर बनाई थी, अदल ए जंजीर, ठीक है, जंजीर ए अदल। तो पहले तो वो बेसिक समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है चांदी के बचपन का नाम क्या है, नूर जहां कौन है, नूर जहां रियल में नाम नहीं है, नूर जहां नाम दिया गया है, किसको दिया गया है, मेहरू निशा को, और दो भारत में अंग्रेज आए हैं उस समय, इन्हीं के समय पहला हॉकिंस आया, दूसरा टॉमस को आया, उसके बाद इन्होंने खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुझके जहांगीरी। ये मैंने पहले ही समझाया था कि तुझके बाबरी पहली पुस्तक, पहली और लास्ट है जो तुर्की में लिखी गई, बाकी सारा लिटरेचर वो या तो इंग्लिश में है या फिर फारसी में, क्योंकि जो फारसी है वो मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा है, फारसी इज अ मुगल एम्पायर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। तो ये है, तो अभी ये तो हो गया बेसिक इनके बारे में, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अकबर ने एक प्रशासन की बात इसकी जहांगीर की, तो जंजीर ए अदल, जंजीर, जंजीर ए अदल, ठीक है, तो ये जहांगीर ने शुरू किया, जंजीर ए अदल, जंजीर ए अदल का मतलब है चैन ऑफ जस्टिस, ठीक है, चैन ऑफ जस्टिस यानी न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, चैन ऑफ जस्टिस का मतलब है न्याय की जंजीर, तो उन्होंने शुरू किया है। तो पूछेगा ये देखो, ये आपने जैसे अकबर ने, अकबर ने तो खैर नहीं, इससे पहले अशोक ने, अशोक ने अपने एक रॉक एडिक्ट में बोला है, एक अभिलेख में बोला है कि प्रथम पृथक अभिलेख, यानी कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी समय, प्रथम सेपरेट रॉक एडिक्ट में अशोक ने बोला है कि कोई भी पर्सन जिसे हमारे हेल्प की नीड है वो हमारे दरवाजे पे आ सकता है और किसी भी समय हमें बुला सकता है, कॉल कर सकता है। वही काम जहांगीर ने किया, जहांगीर ने अपने जो महल है उसके आगे जंजीर लगवाई थी, सोने की जंजीर थी वो, है ना, जंजीर ए अदल, और उसमें एक घंटा बंधा हुआ था बेल, तो जैसे कोई बजाता, और उस घंटी को बजाने का मतलब था कि उसको बादशाह की मतलब जरूरत है, बादशाह की मदद की जरूरत है, तो जहांगीर खुद उसको अटेंड करते थे या जहांगीर तक उस व्यक्ति को ले जाया जाता था, वो किसी भी समय, किसी भी समय का मतलब चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे वो खाना खा रहे हो जहांगीर, चाहे वो सो रहे हो, कुछ भी हो, अगर वो जंजीर किसी ने बजा दी तो उसको उनके सामने पेश किया जाएगा, अगर वो खुद आ सकते हैं तो खुद आएंगे। तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो मुगल के बारे में पॉजिटिव लिख सकते हो, कि लोग ज्यादातर लिखा गया ये लोग भारत को लूटने आए थे, लूट खसोट के चले गए थे। तो आज भी अगर हम और आप पीएम से मिलना चाहोगे तो आपको 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे पीएम तक अपनी बात पहुंचाने में, उसके बाद जेन्युइन रीजन जाना जाएगा कि जेन्युइन रीजन है या नहीं है मिलने का, 3 महीने से कम नहीं लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो फाइनली आप अगर उनको लगेगा, जो उनका पीए स्टाफ है उनको लगेगा कि मिलना जरूरी है, तभी वो अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे, और इसमें ऐसा नहीं था। तो आज का प्रशासन उस समय का प्रशासन का कंपेयर करेंगे तो कितना वेलफेयर है, समझ रहे, कितनी सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा आपको, अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये नंबर वो नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, पूरा करिए, है ना, सारे चेकअप करवाइए, तब जाके मिलना है, वो भी उस फाइनल, ठीक है। तो जंजीर ए अदल मतलब ऐसे, ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपने जंजीर ए अदल सुना और वापस हो गए, आपको मेल्स के लिए भी सोचना है कि इससे क्या मतलब निकल रहा है। मतलब ये निकल रहा है कि वो लोग कितने एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस के लिए स्ट्रांग है, सेवा करने के लिए हर समय तैयार है, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, कोई भी जंजीर को बजाएगा तो उसको सर्विस दी जाएगी, ठीक। तो ये है, तो जंजीर अदल एक तो पहला, दूसरा जहांगीर के बारे में है, वो बहुत बड़े पेंटर है ना,
गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, ठीक है, एज ऑफ पेंटिंग, यानी इसको जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा है, तो जहांगीर ऐसा मान, और जो जहांगीर ने जो पेंटिंग बनाई है वो नेचर की है, जहांगीर जो पेंटिंग बनाई वो नेचर की है, खासकर पशु पक्षियों की, ऐसा कहा जाता है जहांगीर के बारे में। अगर दो चित्रकार किसी की मूर्ति, किसी का पिक्चर बनाते थे, तो वो जहांगीर बता देते थे कि ये पैर उसने बनाया है, ये दूसरा पैर उसने बनाया, इतना उन्हें परख थी। यानी दो चित्रकार एक एक पक्षी की आंखें बनाते, एक दूसरा बनाता है, दूसरा बनाता है, तो उन चित्रकारों के वो नाम बता देते थे जहांगीर, तो इतने ज्यादा थे। तो सबसे ज्यादा गोल्डन एज, और ज्यादातर जो पिक्चर बनाई गई है वो नेचर की बनाई गई है ना, नेचर, नेचर में खासकर वर्ड्स की, पक्षियों की बहुत बनाई गई। देखो पहली बार जो पेंटिंग मिली है हमें जहांगीर मुगल काल में, हुआ बाबर नामा में, पहली बार। बाबर भी पेंटिंग के शौकीन थे, अकबर भी पेंटिंग के शौकीन थे, और जहांगीर भी पेंटिंग के शौकीन थे, ठीक है। और जहांगीर के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपका ये। उसके बाद एक चीज और है जहांगीर के बारे में, ठीक है। तो जंजीर है अदल और गोल्डन, गोल्डन एज। और उसके बाद जहांगीर ने कई सारे गार्डन भी लगवाए थे, बाग, गार्डन, गार्डन। कभी आपने देखा होगा, अगर आप ताजमहल गए हो, ठीक है, तो ताजमहल आप जाओगे तो देखोगे ताजमहल के पास पास बहुत बड़ा एरिया जो बाग है। ताजमहल से लेफ्ट में जो जो इमादुद्दौला का मकबरा है, वहां आप देखोगे तो बहुत सारे बाग हैं। कभी आप जाना तो ताजमहल ऐसा लगता है कि बागों के बीच में, कभी सेटेलाइट मैप से देखना ताजमहल, तो चारों तरफ आपको बाग दिखाई देंगे। तो ये सबसे ज्यादा हुआ था। तो ये था जहांगीर के बारे में पूरा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पेंटिंग से पूछ सकता है, और गार्डन बनवाए थे, लगवाए थे, इससे पूछ सकता है। और गार्डन की शुरुआत बाबर के समय से हो गई थी, और ये लोग जो इनके पूर्वजों ने किए वो आगे करते चले गए। और ये चीज एंशियंट में नहीं होती थी। जो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया वो बिंदुसार ने नहीं किया, बिंदुसार ने किया वो अशोक ने नहीं किया, अशोक ने किया वो आगे राजाओं ने नहीं किया। लेकिन इनमें आप एक चीज देखते हो कि अगर बाबर ने पेंटिंग शुरू की है तो बाबर का यानी पर पोता, समझ रहे हो आप, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर और शाहजहां भी, तो सारे लोग पेंटिंग को लेके आ रहे हैं। बाग लगवाए तो सभी लोगों ने बाग लगवाए, तो ये चीजें शुरू से चलती चली आ रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजहां की, ठीक है, शाहजहां। शाहजहां का दूसरा नाम क्या है बता सकते हैं? व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ शाहजहां? शाहजहां को खुसरो भी कहा जाता है, खुसरो। और जहांगीर ने गुरु तेग बहादुर को जो मारा था, है ना, अरेस्ट किया था, उनको फांसी दी थी, तो शाहजहां के कारण ही दी थी, शाहजहां के कारण ही दी थी। क्योंकि जो खुसरो हैं उनको गुरु तेग बहादुर ने अपने यहां शरण दी थी, तो गुरु तेग बहादुर को जो मारा गया है वो खुसरो की वजह से मारा गया। अगर वो खुसरो को सब, क्योंकि खुसरो ने, शाहजहां ने जहांगीर को बंदी बना लिया था, लास्ट में जहांगीर को बंदी बना लिया था, तो कहीं ना कहीं जहांगीर और शाहजहां में कॉन्फ्लिक्ट था, और इस वजह से इन्होंने उनका साथ दिया गुरु तेग बहादुर ने, और गुरु तेग बहादुर को इसीलिए मारा गया, ठीक है, खुसरो की वजह से। तो
और ये किसके बेटे हैं, है ना, सन ऑफ जोधाबाई, ठीक है, ये हाँ जोधाबाई के बेटे हैं, जोधाबाई यानी जगत गोसाई की, जगत गोसाई के ये बेटे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें शाहजहां जोधाबाई के बेटे हैं ना, हाँ, और इनकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है बताएं, हाँ पत्नी का नाम है अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो इनका पत्नी का नाम है, अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो ही मुमताज है, ठीक है, मुमताज रियल नेम नहीं है, मुमताज टाइटल है, मुमताज टाइटल है, ठीक है, तो अर्जुमंद बानो है जिनका नाम मुमताज है। तो बाकी तो ज्यादा कुछ और किस किस में इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े हैं, तो शाहजहां के समय में युद्ध, और बाकी आप ताजमहल के बारे में जानते हो इनके बारे में, ठीक है, ताजमहल के बारे में आपको पता है, देखिए ताजमहल जो है वो सेवन वंडर में है, ये आपको पता है, ठीक है, सेवन वंडर में है ताजमहल, और सेवन, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, विश्व धरोहर भी है, इसको समझिएगा आप लोग कि सेवन वंडर में और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, ये इस वजह से नहीं है कि वो अपनी पत्नी के प्रेम में बनाया था उन्होंने, ऐसा नहीं है, ठीक है, पत्नी के प्रेम की वजह से नहीं है, ये है इसका जो ताजमहल का आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अलग है, मतलब 1600 के समय में इतनी अच्छी बिल्डिंग बनना, ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, आपको इंडिया में सबसे पहली ऐसी बिल्डिंग है जो जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, मतलब पानी जहां तक है उसके नीचे से इसकी नींव आई हुई है, जहां तक हम लोगों को पानी मिलता है उससे नीचे से, और उसमें यानी जहां पर नमी खत्म हो जाती है वहां से इसकी नींव है, पहले इसमें लकड़ी डाली गई, फिर पत्थर डाला गया, फिर लकड़ी डाली गई, फिर पत्थर डाला गया, तो इसलिए इसकी नींव को इतना मजबूत बनाया गया। तो पहली बात है ये इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कंपोजिशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दूसरी चीज और इसका स्ट्रक्चर है वो भी बहुत यूनिक है, वो भी बहुत यूनिक है, अगर आप कभी मतलब आप ज्यादातर लोग नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं, कभी आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाना, वहां आप देखोगे तो वह गैलरी से बनी हुई है, कभी आप लोग जाना तो गैलरी इस तरह से वो बनी हुई है, इस तरह से गैलरी का मुंह, और ये जो रास्ता है वो यमुना में खुलता है, ठीक है, जो रास्ता है वो यमुना की तरफ गया, यमुना की तरफ, तो यहां से जो हवा आती है वो पूरे ताजमहल के अंदर आती है, पूरे ताजमहल के अंदर, तो छोटा सी जगह है वहां पर, ठीक, तो इस तरह से है, और आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जब भी आप किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को देखोगे तो दो चीजों से देखिए, एक खासकर एक बिल्डिंग का जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आप उसको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, यानी ये जो बनाया गया है वो लगभग 1632 के आसपास बनाया है, यानी लगभग 1632 एडी में, आप समझिए उस समय इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, मतलब कोई टेक्निक नहीं है, कोई बहुत बड़े बाहर के लोग नहीं है, और ताजमहल के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं कि ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना, जो व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो तो वो ऐसे नहीं करता, ठीक है, ये सब बाद के लिखा गया है, सब कुछ नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जिसने जो हमीद लाहौरी जी हैं
उन्होंने बनाया है, उनके हाथ काटे गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना मिलता है कि शाहजहां ने उनसे बोला था कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अब आप जिंदगी अपनी यहीं गुजारिए। तो हाँ, वो शाहजहां ये चाहते थे कि अगले दूसरा बिल्डिंग कोई ऐसा ना बने, तो उन्होंने ताउम्र उनकी सेवा करने की बात की थी। ये इसका मिलता है कि उन्होंने इनाम दिया था। और पहली बात, सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक और ताजमहल बनाना चाहते थे जो यमुना के लेफ्ट में था, जस्ट उसके लेफ्ट में है, काले पत्थर से। तो अगर वो दूसरा ताजमहल बनाना चाह रहे थे शाहजहां, तो हाथ कटवाने का क्या मतलब, फिर वो कौन बनाता? अगर ये बात होती कि उनके हाथ काट लिए गए तो दूसरा ताजमहल कौन बनाता? और ये आपको पता है कि दूसरे ताजमहल का प्लानिंग थी, आज भी वहां पत्थर पड़ा हुआ है जिस एरिया में है। तो ऐसा नहीं था कि ये सब बातें हैं मतलब किसी भी तरह से इस्लामिक कल्चर को या किसी भी तरह से मिडिवल कल्चर को, मिडिवल पीरियड को कहीं ना कहीं हमें डिमोरलाइज करना है, इसलिए हमें ऐसा ये सब चीजें कहते ना वायरल की गई कि ऐसा था, उसने मार दिया था। तो ऐसा नहीं है। तो अच्छा, कुछ कुछ शाहजहां के समय में कुछ युद्ध हुए, ठीक है, कुछ शाहजहां ने कुछ युद्ध लड़े हैं। कभी हो सकता है उनका क्रोनोलॉजी पूछ ले, और खासकर एक बार तो पूछ लिया था यूपीएससी में कि धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, धर्मत का युद्ध। तो एक जो वार हुए हैं शाहजहां के समय, उनको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। वॉर्स ऑफ सक्सेशन, कौन कौन से वॉर हुए उनको एक बार क्रोनोलॉजी से समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला है इसमें वार ऑफ बहादुर धर्मत, या लिख लेते हैं वार ऑफ बहादुरपुर। बहादुरपुर, ये सबका क्रम याद रखना है, वार ऑफ बहादुरपुर। तो बार ऑफ बहादुरपुर में किस किस के बीच में हुआ है, दारा के बीच में हुआ है और शाह सुजा के बीच में हुआ है, ठीक है, शाह सुजा। ज्यादा नहीं, बस इतना समझना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड है इसका 1658, ठीक है। दूसरा युद्ध है धर्मत का युद्ध, बार ऑफ धर्मत, बार ऑफ धर्मत। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कब हुआ है, ये हुआ है ये फेब में हुआ है और ये फरवरी में हुआ है, ठीक है, फरवरी में, और ये हुआ अप्रैल में, अप्रैल 1658, अप्रैल 1658। दारा और औरंगजेब मुराद, दारा किस, दारा से हुआ है और औरंगजेब और मुराद, तो ये सारे भी उसी समय के हैं ये, और मुराद, ठीक है। उसके बाद है इसमें सामूगढ़, बार ऑफ सामूगढ़, दो ही पूछे जाते हैं, बार ऑफ सामूगढ़, ठीक है। इसमें ये हुआ है मई 1658, ये किस किस में हुआ है, औरंगजेब और शाह सुजा में, है ना, औरंगजेब, औरंगजेब और शाह सुजा। देखो ये नाम याद रहे तो भी है, कोई वैसे खास प्रॉब्लम नहीं है, बस ये याद रखना है पहला जो युद्ध हुआ है वो धर्मत का, ये पूछा गया है धर्मत का युद्ध कब हुआ है ये पूछा है। तो क्रम हो सकता है कभी धर्मत का युद्ध पहले हुआ है या सामूगढ़ का युद्ध, तो सामूगढ़ का युद्ध पहले हुआ है, ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध है वो सबसे पहले हुआ है। तो ये थे। अब सीधे सीधे हम बात करते हैं औरंगजेब की, औरंगजेब
औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। देखिए औरंगजेब क्या है, समझिए, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, है ना, औरंगजेब तक, औरंगजेब तक कहा जाता है मुगल पीरियड, ये है मुगल पीरियड, ठीक है, मुगल पीरियड। और औरंगजेब के बाद, ठीक है, औरंगजेब के बाद का जो पीरियड है, और वो बहादुर शाह जफर तक वो कहा जाता है लेटर मुगल पीरियड, ठीक है। तो ये है, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब का तक जो समय है उसको कहा जाता है मुगल पीरियड, और औरंगजेब के बाद का जो सफर शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद औरंगजेब के बाद जो पहला शासक है बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक तो लास्ट है, पहला भी शासक इसमें बहादुर शाह जफर है, यानी बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक, ठीक है। तो ये पीरियड है लेटर मुगल पीरियड, यानी उत्तर मुगल कालीन शासन। ये वो पीरियड है जहां पर मुगल काल डिक्लाइन शुरू होता है, डिक्लाइन, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसको उत्तर मुगल काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वो पीरियड है जहां से मुगल पीरियड डिक्लाइन शुरू होता है। तो अब देख लेते हैं औरंगजेब, औरंगजेब तक कोई भी मुगल पीरियड में डिक्लाइन शुरू नहीं हुआ है, कोई भी पतन शुरू नहीं हुआ है औरंगजेब तक। अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का टाइम पीरियड है, वो लिख लीजिए कब से कब तक है, 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। तो ये 1700 काफी लंबा पीरियड है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है, ये है ना, सबसे ज्यादा पीरियड है, यानी लगभग वो 49 ईयर रहा है, 49 ईयर, तो 49, हाँ काफी समय रहा है ये। उसके बाद सबसे ज्यादा समय, और इसने किसको हराया है, दारा को हराया है ना, धर्मत के युद्ध में दारा को इसने हराया है, दारा एट धर्मत, तो धर्मत का युद्ध है उसमें दारा को हरा दिया, फिर ये शासक बना। ओरिजिनल नेम ऑफ औरंगजेब आलमगीर, ओरिजिनल या कह सकते हैं आलमगीर नाम से ये शासक बनता है। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि औरंगजेब किस नाम से शासक बना है, तो आलमगीर औरंगजेब। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे कि इस समय बहुत सारे युद्ध होते हैं, और मुगल मराठा भी युद्ध होते हैं, मुगल और मुगल गोलकंडा भी युद्ध होते हैं, मुगल सिख भी युद्ध होते हैं, ठीक है, इस समय। तो लेकिन जो ये जाना अकबर के औरंगजेब के बारे में जाना जाता है, वो जाना जाता है खासकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस के लिए, है ना। अब लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस इन औरंगजेब पीरियड। औरंगजेब की जो पॉलिसी है, जो इंपीरियल पॉलिसी उसके लिए, औरंगजेब की इंपीरियल पॉलिसी मतलब राजकीय जो राजनीति है वो ये थी कि लोग देखते हैं अलग तरीके से था कुछ और। औरंगजेब ने जजिया को दोबारा से लगा दिया, औरंगजेब इम्पोज अगेन जजिया सभी पर,
सभी पर जजिया को लगा दिया। औरंगजेब ने टैक्स को भी बढ़ा दिया। औरंगजेब ने मार्केट को भी कंट्रोल किया। तो औरंगजेब के जो चेंजेस थे वो प्रशासनिक थे, शासनिक थे, ना कि कल्चरल। ठीक है, बाकी चीज औरंगजेब के बारे में कुछ नहीं आता है, कभी नहीं पूछा जाता है। पर इतना पूछा जाता है कि धर्मत का युद्ध में औरंगजेब ने दारा को हराया था 1658 में, तब औरंगजेब शासन पे बैठे, इतना ठीक है। उसके बाद जो युद्ध हुए हैं, जयसिंह मराठा का युद्ध हुआ है या गोलकुंडा का या सिख का, वो तो अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा है इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उसको लेके है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में सबसे बड़ा जो इसका नेगेटिव पॉइंट या आलोचना होती है वो होती है जजिया, जजिया को लेके। ठीक है, तो इसने री इम्पोज, है ना, री स्टार्ट जजिया। ठीक है, इसने दोबारा से जजिया को स्टार्ट कर दिया था, दोबारा से जजिया को स्टार्ट कर दिया था। ये इनकी पॉलिसी थी। और उसने खुद को जिंदा पीर कहा, जिंदा पीर, जिंदा पीर। जिंदा पीर जानते हैं क्या था? जिंदा पीर का मतलब क्या था? खुद को उन्होंने जिंदा पीर कहा, द लिविंग सेंट, यानी जीता जागता एक सेंट है, यानी कह सकते हैं एक संत है, जीता जागता। तो औरंगजेब के समय में राजपूत राजा भी ज्यादा उसके प्रशासन में है, राज्यों की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है, रेवेन्यू भी ज्यादा आ रहा है, एरिया देखो आप समझिए, टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम एरिया भी मैक्सिमम है, यानी जो उसका टेन्योर है, जो उसका टाइम है, ठीक है, वो भी सभी मुगल सम्राटों में, मुगल सम्राटों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो इसका एरिया है वो भी सबसे ज्यादा है। कभी आपसे पूछ सकता है कि किसके टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा था, तो औरंगजेब के समय में। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन है ना, टैक्स कलेक्शन है वो किसके ज्यादा, इसी के समय में। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन, तो टैक्स कलेक्शन भी इसी के समय में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो राजपूत है ना, जो राजपूत हैं, जो राजपूताज हैं, सबसे ज्यादा किसके समय में, इसी के समय में, मैक्सिमम राजपूत। सबसे ज्यादा स्टेट, स्टेट किसमें है, वो भी यहीं पर है। तो अब सारी चीजें आप समझिए, औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा समय तक वो शासन करता है ना, सबसे ज्यादा समय तक वो शासन करता है, सबसे ज्यादा एरिया औरंगजेब के समय में है, सबसे ज्यादा टैक्स उसके समय में आता है, सबसे ज्यादा राजपूत अधिकारी उसके समय में है, सबसे ज्यादा स्टेट है। अकबर के समय में 15 सूबे होते, शायद 20 होते हैं, इसमें 25 हो जाते हैं, नहीं सॉरी 15। अकबर के समय में, अकबर के समय में कितने होते हैं स्टेट, 15। और औरंगजेब के समय में हो जाते हैं, औरंगजेब के समय में हो जाते हैं 20। ठीक है, तो यानी सूबा जिसको राज्य कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा भी गया कि अकबर के समय में मुगल साम्राज्य कितने राज्यों विभाजित था, तो 15 राज्यों में था। और जहांगीर के समय, औरंगजेब समय ये 20 हो गए हैं। तो ये है, अब इसने देखो क्या क्या किया है, क्या क्या किया है। पहला काम है औरंगजेब का अपॉइंटमेंट ऑफ, पहला काम अकबर का देख, सॉरी जहांगीर का देख लीजिए, पहला काम है अपॉइंटमेंट ऑफ मुहाशिवा का मतलब क्या होता था, मुहाशिव इन्होंने अपॉइंट किया। ये लोग क्या थे,
मुआसिब कौन है? अपॉइंटमेंट ऑफ मुआसिब, मुआसिब का मतलब होता है रेगुलेटर ऑफ मॉरल करेक्टर, ठीक है, ये मॉरल करेक्टर पर रेगुलेट करते थे, मॉरल करेक्टर को रेगुलेट करते थे, पहला काम। दूसरा काम किया उसने बैन ऑन सती कस्टम, ठीक है, सती कस्टम, सती प्रथा को बंद करा दिया, है ना, सती प्रथा को बंद करा दिया। उसके बाद है बैन, अब देखो ये जो बात करते हैं ना लोग, आपने देखा होगा टीवी चैनल पे लोग बात करते हैं बैन ऑन हिंदू फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल, ये लोग हिंदू फेस्टिवल को बैन किया था ये तो बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि उसने ये भी किया था। उसके बाद बैन ऑन झरोखा दर्शन, इसकी भी बात नहीं करते हैं, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन जानते ही हैं। झरोखा दर्शन में क्या होता था कि हर सप्ते वो आके लोग आम जनता आपको दर्शन देते थे, और जिसमें क्या होता था बहुत ज्यादा टाइम खराब होता था। अकबर को औरंगजेब को जहां लगा कि हमें ये काम फिजूल का है उसने रोक दिया, तो उसने जो फेस्टिवल थे उनके रोक लगा दी। और बैन ऑन तुलादान, बैन ऑन तुलादान, तुलादान भी समझते हैं आप कि राजा को एक तरफ सोना चांदी एक तरफ बैठा के फिर वो सारा जो तुलादान से जो धन सोना चांदी मिलता था उसको क्या करते थे, अधिकारी लोग खुद भी बांट लेते थे, आम जनता तक वो नहीं पहुंचता था। तो उसने कहा कि तुलादान ये फिजूल खर्ची, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए, तुलादान को रोक दिया। और उसके बाद री इम्पोज जजिया, री इम्पोज जजिया, री इंट्रो या री इंट्रो या री इम्पोज या री स्टार्ट, री इंट्रो जजिया, ठीक है, तो द्वारा से उसने जजिया को लगा दिया। तो ये सारी चीजें थी जो औरंगजेब के समय में शुरू हुई थी। समझ पाया कि क्या क्या उसने मुहासिब अपॉइंटमेंट किए जो करेक्टर को देखभाल करते थे, करेक्टर पे काम करते थे, जैसे अशोक ने किए थे धम्म महामात्र उसी तरह से, और सती प्रथा को बंद करा दिया, हिंदू फेस्टिवल को बंद करा दिया, झरोखा दर्शन को बंद करा दिया, तुलादान को बंद करा दिया, और द्वारा से जरिया लगा दिया। सिर्फ एक ही पर्पस था कि जो फिजूल खर्ची है उसको रोका जाए और कैसे डेवलपमेंट किया जाए। और औरंगजेब के बारे में आपको पता ही है कि औरंगजेब अपने पूरी जिंदगी ताउम्र दिल्ली में जो बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद वहां पर बैठते थे और टोपी सिलते थे और खुद उनको बेचते थे, तो उसी से जो पैसा आमदनी होती थी उससे उनका खर्च चलता था, तो खुद में वो इतना डिसिप्लिन है वो आदमी, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर हमें अकबर, अगर हमें औरंगजेब की गलत चीजों को देखना है तो हम इसको पढ़ लेंगे, अगर हमें औरंगजेब की अच्छी चीजों को भी देखना है तो हम इसको भी पढ़ लेंगे, और हम इसको भी पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, डिपेंड करता है कि हमें क्या चीजें औरंगजेब के बारे में बतानी है। अच्छी बातें बतानी है तो सब पढ़ लेंगे, औरंगजेब को गलत बताना है तो कुछ बातें पढ़ लेंगे, दो बातें, जजिया को लगाना और हिंदू फेस्टिवल को बंद करना। क्या आपको लगता है कि जो आजकल जो शादियां हो रही हैं उनमें इतना खर्च होना चाहिए? ये सारी फिजूल खर्ची है ना, जितना मतलब खाना इतना बर्बाद होता है शादियों में आपने देखा होगा, हर चीज की फिजूल खर्ची है। तो ये सारी चीजों पर रोक लगाना कोई गलत नहीं था, और जजिया को लगाने का पर्पज यही था कि टैक्स को बढ़ाना था, जजिया कुछ लोग थे जो जजिया से कर से मुक्त थे उनको भी कर के दायरे में लाया गया, तो ठीक है। तो ये था, और हम लोग नेक्स्ट कल करेंगे लेटर मुगल पीरियड, हेडिंग डाल दीजिए लेटर मुगल पीरियड यानी उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड,
ठीक है, लेटर मुगल पीरियड, इस पे हम लोग कल बात करेंगे। सबसे पहला देखेंगे बहादुर शाह, बहादुर शाह सबसे पहला शासक बहादुर शाह, इस पे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं टेस्ट में।